हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। महालक्ष्मी किचन के आपण माने को स्वागत। आज देखंतु बेसन तरकारी बिना प्याज रसुन रे करिछि, जोटा कि गुरुवार स्पेशल। आउ ता पई कोन कोन आयोजन करिछि देखंतु कोन कोन सब जिनस नौछि। एठी 2 कप ने 2टा बाउल, जोटा कि छोटो बाउल, 2 बाउल बेसन नौछि। तादरे किछि आवश्यक अनुसार लुण पकोउछि। तापरे ताको खाली पानी रे किना आउ किछि भी मिसौनी, ताको भल्ले कि बैटर बने नोची, पतला बैटर। भल्ले कि ताको मिसे दो, जेहेतु बेसन डा को मु चलेनी डायरेक्ट पकेजी, चलेथिले शीघ्र मिसी जिवो। इउ चले कि पकेले टी शीघ्र मिसी जिवो, तें करी मु सेमती रे गोळे देली, बैटरटा बनि जायची। एबे ओटे कढ़ाई बसी नोची, ता धीरे हाफ टेबुल स्पून बेसी भी नहीं, जस्ट अल्प टिके ऑयल देकी टिके जीरा फुटेबे। आपण माने चाहिले आउ किछि भी ऐड कर परिबे, जोआनी भी ऐड कर परिबे। मु किंतु जीरा पकोची कना जीरा रो फ्लेवरटा बहुत बढ़िया, हाफ टेबुल स्पून जीरा। तापरे से बैटरटा को पतला बैटरटा को ढाली देबा, आउ हाफ कप रे गोटे कप मधेरे पानी मिसेकी ताको ढाली देबा, जहा हमरो बाउलले जहा लागिथिबो। तापरे आकु चलेबा, आकु टोटल छाड़बानी, छाड़िले लागि जिवो ओ बिंडा बांधि नबो। तेणुकरी ताको सेमती हाई फ्लेम रे चलाउथबा। देखंतु हाई फ्लेम रे, तापरे मीडियम फ्लेम कर दउची, कना एथरा हमर बैटरटा हे गलानी, बेसन तरकारी पई बेसनटा रेडी हे गलानी। ए भलिया जंतिले आपण मानको एटा बहुत सॉफ्ट लागिबो, आउ झोल तरकारी कले झोल भिडी बनी ए बढ़िया भाव रही, बहुत सॉफ्ट रहा, खायापी बहुत रोह, बतुरी बनी बतुर किंतु छिंडी बनी, जोड़ा बेसन टा सुखिला जंती रे छिंडी जाए, सेटा छिंडी बनी बढ़िया भाव एटा जंती है। देखु प्रथम हाई फ्लेम करेंगे, तापर मीडियम फ्लेम कर, आमर ऑलरेडी रेडी हो गला बेसन टा जंता। एबे ताको गोटे थाली की मु बिना तेल रे, किछि भी तेल लगौनी, कहीं बेसन थंडा हो गले ऑटोमेटिक छाड़ जीव, ताको थाली की ढाली नौची। तापर टिके से जो खड़ी काटर मु करूली, से टिके तेल मारिकी ऊपर ताको स्प्रेड कर नबा। आपण को जत्ते की मोटा दरकार, जत्ते की पतला दरकार, से अनुसार ताको स्प्रेड कर नेबे। स्प्रेड कर देले तापर ताको थंडा हवा पई का छाड़ दबा। मु बेसी मोटा करूनी ना बेसी पतला भी करूनी, मीडियम साइज रे रखुची। आउ टिके तेल दौर जस्ट ड्रप तेल देकी ऊपर पूरा पालिश कला भाया कर ठंडा करिया को छाड़ी दबा। तापर ये देखु मु मसला पाई नहीं तीनोटी टमाटर, गोटे इंच अदा चोपा छड़े रखी, चार कंचा लंका, डालचीनी गुजराती दी खंड डालचीनी गुजराती दीटा, जीरा हाफ चमच, धनिया गोटे चमच, गोटा धनिया, आउ पोस्तक मु जेहेतु एटा साधारे करूची, आउ मु एथरे काजू यूज करूनी, काजू चारमगज यूज करूनी, तेणुकरी पोस्तक मु गोटे बड़ चामच रे गोटे चामच नौची। एइतक मसलाटाको आमे बाटी नबा, प्रथमे अदाटाको ग्राइंडर कप रे पकेइ नबा, कंचा लंका पकेइ नबा, आउ जीरा धनिया डालचीन गुजराती पोस्तक एइटाको आमे टिके प्रथमे ग्राइंडिंग करना, कारण टमाटर मिसेइ देले सेइटा कटिबनी, तेणुकरी आकु आकु प्रथमे भल्लेकी फाइन पेस्ट बनेइ नबा। पोस्तक मध्य भी पकई दौची, पोस्तक टिके सब भागर अधिका टिके। देखु ये फाइन पेस्ट बनीगला, एवं टमाटर तीन टी जाक काटी काटिकी ग्राइंडिंग कर नौ, जोटा कि टमाटर खंड न पकईकी काटिदे तार ग्रेवी पाई का बहुत बढ़िया हे। एथर मसला आमर रेडी हो गला, मसला रेडी हो भी थंडा हो गला बेसन टाइमर, ताको आम काटि नबा क्यूब साइज रे काटि नबा, ताको जोटा कि सुंदर देखा जीवो भी। देखो बेसन गुड़ा मुझे रखी, बेसी मोटा नहीं कि बेसी पतला नहीं,
आउ छानला परे ये भी आउ टिके फुली जीव भीतर जालीदार हम बहुत सॉफ्ट लगे से छणार भी खाया पाए भी बहुत बढ़िया लगे। बेसन गुड़ाक प्रथम काटिकी तापर फिटे नौ जोटा कि छाणिया सुविधा हम। तापर ये मुझे दुईट आलु चोपा छड़े की काटिकी पानी रे रखी बेसन भी रखी एथर तेल कड़े बसई गरम हो गला हाई फ्लेम रे तेल रखी आगो बेसन छाणी नवा बेसन तरकारी भी घरे खाइबा समस्ते भल पाती मते भी भल लगे। आउ पनीर बदले बेसन कर देले बहुत टेस्ट ताको गोल्डन ब्राउन रे छाणी नेली मु। मिनिमम 5 मिनट खंडे लगे छाणिया पई। तापरे आलूटा को पकई नबा आलूटा को जस्ट अल्प गोल्डन ब्राउन करी काढ़ी नबा। तापर आ बाकी बेसन जा अच्छी ताको मध्ये पकई नबा। ऑलरेडी हमर छणा छणी सरी गला एबे हमर कड़ई बसे नोची कड़ई रे 2 टेबल स्पून मु रिफाइंड ऑयल नौ जो छाणी थी तेल मुझे तेल ही नौ। तापरे 1/2 टेबल स्पून जीरा पकई नौ तेजपत्र 2टा पकई नौ 1 पिंच खंडे हेंगु पकउ नौ जेहेतु सादा रे होची हेंगुर फ्लेवर बहुत बढ़िया। कस्तूरी मेथी 1/2 टेबल स्पून पकउची तहार फ्लेवर मध्य बहुत बढ़िया। तापरे हमरो बाटिक रखी मसलाटा को पकई नवा 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर जोटा कि राग ना लंका जेहेतु मुझे कंचा लंका बाटी तेणुक राग ना लंका पकेली कलर पाई आउ आवश्यक अनुसार लुण पकेली आउ टिके गुड़ देली जेहेतु साधा तरकारी होउची तारो टेस्टा बालान्स करिया पाई का मुझे टिके गुड़ आड कली। मसलाटा को मीडियम फ्लेम रे रखी नबा आ घोड़े की कसी नबा सादा मसला भी बहुत शीघ्र भी हो जाए। एपट देखु मोर छणाटा को देखी भितर केमती जालीदार भाव बहुत सॉफ्ट होमती बेसन तरकारी आ बहुत बढ़िया लगे खाइबापाई का भितर बहुत सॉफ्ट हो। एबे मसलाटा को देखी नबा मसलारु तेल छाड़ा मसला हवा को होगला 80% मसला होगला। एबे आलू गुड़ा को मुझे ऐड कर नहीं मसलार आउ 5 मिनट खंडे कसी नबा सीम कर जाल सीम करकी ताधेरिकिना जोटा कि आलु आउ टिके सीझीज तरकारी आमर बहुत शीघ्र भी ताको घोड़े दबा आउ थरे एथर आमर ऑलरेडी होगला मसला आउ आलु आम एथर आवश्यक अनुसार जी झोल दरकार से पानी आड करवा तेल पूरा छाड़ जा बढ़िया भाव कषि हो जा मसलार फ्लेवर मध्य बहुत बढ़िया आसुची। जी झोल दरकार से पानी देबे से अनुसार आमर पानी दबा पतला झोल चाहिए टी अधिका पानी देबे मोटा झोल चाहिए टी कम पानी देबे। आलू आमर ऑलरेडी सीझी गला तापरे आमर एटा को बेसनटा को पकई देकी आउ 1/2 मिनट पे ताको फुटेबा पई छाड़ दबा जोटा कि तार जूसटा भितर पसी जिवो आ खाइबा पई मते बहुत टेस्ट लगे। आमर रेडी हो गला किछि धनिया कटा धनिया पत्र पकई नबा 1/2 टेबल स्पून रु कम गरम मसला गुंडा दबा कारण ऑलरेडी आमर गरम मसला बटा है तेणुक साधार अत्यधिक गरम मसला हो गले भल लगनी एथर मुझे गोटे बाउल रे सर्व करी नौ ची
मोर ना पतला झोल हो मोटा झोल हो खाइबापी बहुत बढ़िया आपको आपण गरम भात रुटी परटा सांगे खाईपर आरा प्योर साधा बिना पिज रसुण आपन चाहिए शेष में घी टिके भी आड करदे पारे देखो मुझे गोटे भांगिकी देखा चिपुड़ दे रस बाहरी आसर भी बढ़िया भाव हो आपण मान भी घरे बनतु एथर भिडी रहा मोर जय जगन्नाथ।